विराट कोहली का ड्राइंग किस तरह से बनाते हैं फ्री हैंड है। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो अब अच्छे से देख लो, ऊपर वाला जो लाइन है, मतलब सर्कल का जो बीच वाला लाइन है, वहाँ पर हम आईब्रो बनाएंगे। उसके बाद का जो लाइन है वहाँ पर आइस, देन हम नोज, और जो नीचे वाला लाइन है वहाँ पर हम माउथ बनाएंगे। और ये वाला और जो ये वाला पार्ट है दोनों इक्वल होगा। लास्ट वाला जो लाइन है वहाँ पर हम चिन बनाएंगे। ये जो बेसिक डायग्राम है, इसी के ऊपर हम जो विराट कोहली का ड्राइंग है उसको हम बनाएंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्या चाहते हैं, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का, उसको आप फॉलो करके जाओ। पहला जो स्टेप होगा वो होगा डायग्राम। उसके बाद हम एक रफ स्केच बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो रफ स्केच है एकदम फाइनल स्केच हो। आप अच्छे से जो रेफरेंस फ़ोटो होगा उसको आप अच्छे से देखो, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। अपना बॉयफ्रेंड या फिर अपना गर्लफ्रेंड को जिस तरह से देखते हो, उस तरह से आप फ़ोटो को देखो, रेफरेंस फ़ोटो को। उसके बाद आप इस तरह से एक जो एक बेसिक रफ स्केच है उसको बनाओ। जब आपका रफ स्केच एकदम सेटिस्फाइड जैसा लगे, मतलब कि या इट्स ओके, ये विराट कोहली जैसा लग रहा है, तो आप बढ़ो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फाइनल स्टेप, या फिर थोड़ा सा इसको बोल सकते हो हम यहाँ पर थोड़ा सा जान डालेंगे, मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो आप डिटेलिंग ऐड करते जाओ, दाढ़ी बनाते जाओ, आईब्रोस जो भी हो आप अच्छे से देखो, थोड़ा सा टाइम दो, देखो टाइम लगा कर आप अच्छे से इसको ड्राइंग कंप्लीट करो। यहाँ पर मैं ज़्यादा इतना शेडिंग वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि ये एकदम रफ स्केच है और रफ वीडियो है, इसीलिए। तो आप स्केच अपने आप मर्जी से कर सकते हो, जो शेडिंग है उसको भी आप अपने मर्जी से कर सकते हो। तो बस इसी तरह से हम विराट कोहली का ड्राइंग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।